राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं हूं प्रिया, प्रिया बिथखाना में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह मैं लाई हूं कुछ खास, तो आज हम बनाएंगे मसाला काजू। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को देखने से पहले लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर मैदा ले लिया है। मैदा यहाँ पर मैंने पाव भर ली है। इसमें हम डालेंगे नमक, थोड़ी सी हम इसमें अजवाइन डालेंगे, अजवाइन हम क्रश करके डालेंगे, थोड़ा सा हम इसमें ऑयल डालेंगे, बहुत ज़्यादा ना डालें, 3 से 4 चम्मच तक। थोड़ा सा हम बेकिंग सोडा डालेंगे, आधा चम्मच तक, आधा चम्मच से थोड़ा कम ही रखा है मैंने। और इन सबको हम अच्छे तरीके से मिला लेंगे। जैसे बोलते हैं ना, मोन पूरे में हो, आटे में हो जाना चाहिए मैदा में, उसी तरीके से ऐसे मिला लें पूरे में। देखिए मोन अच्छे से लग गया है। ऑयल, जो भी ऑयल डाल लें या रिफाइंड डालें या घी डालें, आप जो भी डालना चाहें डाल सकते हैं। और अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को अच्छी तरीके से गूंथ लेंगे। बहुत ज़्यादा एक साथ पानी ना डालें, नहीं तो गीला हो जाएगा। गीला ना होने दें, थोड़ा थोड़ा पानी करके सख्त आटा लगाएंगे थोड़ा सा। ये देखिए आटा हमने यहाँ पर लगा लिया है बिल्कुल सख्त, और इसको हम 10 मिनट तक ढक के रखेंगे। तो जब तक यहाँ पर 10 मिनट तक हम आटा रखेंगे, हम एक पाउडर तैयार कर लेंगे मसालों का। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, आधा चम्मच तक डालेंगे यहाँ पर हम काला नमक, आमचूर पाउडर डालेंगे 1 चम्मच, चाट मसाला डालेंगे 1 चम्मच, काली मिर्च डालेंगे 1 चम्मच या 1.5 चम्मच कर लें इसको, थोड़ा सा तीखा चटपटा अच्छा लगता है। और यहाँ पर हम 1/2 चम्मच तक रेड चिली पाउडर, इन सबको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि जो काजू में डाले जाते हैं ऊपर से जो मसाला पड़ता है इसी तरीके से पड़ता है, बनके बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ये देखिए, तो ये पाउडर बनके तैयार हो गया है। और यहाँ पर हम अभी इसका हम 5 मिनट तक वेट और करेंगे। तो 10 मिनट बाद हम यहाँ पर आटे को देखेंगे, थोड़ा सा हम आटा और गूंथ लेंगे। और अब हम इसकी लोई काट लेंगे। लोई हम थोड़ी बड़ी ही लेंगे। गोल करके फिर हम इसको बेलेंगे, थोड़ा मोटा ही बेलेंगे। और अब इसको बेल लेंगे। यहाँ पर हमने सूखा आटा नहीं लगाया है बिल्कुल भी, इसको घुमा घुमा के, बिल्कुल पतला नहीं करना है, थोड़ा सा मोटा रखना है, बहुत ज़्यादा मोटा भी ना हो। तो इसको हम बेल लेंगे गोल शेप में। तो यहाँ पर हमने गोल शेप में इसको बेल लिया है, और थोड़ा सा हमने मोटा रखा है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं किया है। आप चाहें तो थोड़ा सा और पतला कर लें, लेकिन बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा फिर काजू कटते नहीं बनते, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर पतला कर देंगे तो फिर काजू छोटे छोटे कटते हैं, फिर बहुत देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो अब हम इनको यहाँ पर काटेंगे। तो हमने यहाँ पर एक ढक्कन ले लिया है कोल्ड ड्रिंक का, और इसको हम इस तरीके से काटेंगे, थोड़ा छोटा शेप में। ये देखिए बिल्कुल सेव आ रहा है, इसी तरीके से, इसी तरीके से हम सारे काट लेंगे।
थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है लेकिन बहुत ही अच्छे से कटते हैं। एक एक करके निकाल लेंगे। तो इसी तरीके से हम सारे काट लेंगे। इसको हम एक प्लेट में रखते जाएंगे। ये देखिए मोटा भी है थोड़ा सा और बिल्कुल बहुत बड़े बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे हैं। तो चलिए फटाफट से हम सारे यहाँ पर काट लेते हैं पहले। तो ये देखिए हमने काजू के शेप में काट लिया है। ये देखिए कितने बढ़िया से मोटे से कटे हैं, जिस तरह से काजू होते हैं उसी शेप में। तो अब हम इनको सेकेंगे। तो यहाँ पर ऑयल गर्म हो रहा है, इसको हम गर्म हो जाने देंगे। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम में नहीं डालना है, लो फ्लेम में ही डालेंगे। तो पहले हम थोड़ा सा इसको गर्म हो जाने देंगे अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर ऑयल गर्म हो चुका है अच्छे से। अब हम इसमें डालेंगे काजू और गैस को लो फ्लेम पे कर दें। ये देखिए सिकने लग गए हैं, बिल्कुल मार्केट में ऐसे ही बनते हैं, आप भी ज़रूर ट्राई करें एक बार। और ये देखिए अभी इसमें कलछी नहीं चलानी है, थोड़े से अब ये टाइट होने लग जाएंगे तब इनको चलाना है। गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पे रखें जिससे कि काजू एकदम से कुरकुरे हो जाएंगे और क्रिस्पी हो जाएंगे। तो ये टाइट होने लग गए हैं। अब हम यहाँ पर गैस को थोड़ा हाई फ्लेम पे करेंगे और अब हमने इसको चलाया है काजू को। अभी तक हमने कोई भी कलछी वगैरह बिल्कुल नहीं की जिससे ये पूरे में फैल जाए, ऐसा कुछ नहीं किया है क्योंकि सेब काजू का बना रहे। ये देखिए फूल भी कितने रहे हैं, तो इसलिए थोड़े से देर में कलछी चलाएं। तो अब यहाँ पर गैस को हाई फ्लेम पे करके इनको अच्छे तरीके से सेक के निकाल देंगे। इसकी एक चीज़ ये है खास कि ये देखिए फूले खूब हैं क्योंकि इसमें बेकिंग सोडा मिलाया था ना, इस वजह से सारे के सारे फूले हैं। और थोड़ा सा हमने इनको मोटा बेला था, बहुत ज़्यादा मोटा भी ना बेलें कि अंदर कच्चे रहें, लेकिन हाँ मीडियम में रखें जिससे कि ये काजू बहुत ही अच्छे और बढ़िया बनते हैं। ये देखिए धीमी धीमी आंच में सेकें ताकि अंदर तक अच्छे से सिक जाएं। ये देखिए थोड़ा सा इनको और सेकने के बाद इनको निकाल लेंगे, नहीं तो पता चला फिर ये जलने लगते हैं, एकदम से काले पड़ने लगते हैं और स्वाद भी इनका फिर चेंज हो जाता है। गैस को हमने यहाँ पर बंद कर दिया है और अब हम इनको निकाल लेते हैं। ये देखिए सिक गए हैं बहुत बढ़िया से। ये देखिए सिक्के कितने बढ़िया निकल रहे हैं, फूले फूले से बढ़िया से। ये देखिए तो ये देखिए बहुत बढ़िया से सिक गए हैं। इनको हम 2 मिनट तक ठंडा करेंगे। तो ये देखिए 2 मिनट बाद काजू यहाँ पर ठंडे हो गए हैं। इसमें हम डालेंगे मसाला जो हमने बनाया था। इनको चला लेंगे बढ़िया से। ये मसाला बनाने से ऐसी खुशबू आती है जैसे जलजीरा पाउडर नहीं होता है, उसी टाइप ऑफ खुशबू आती है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही कुरकुरे बने हैं। ये देखिए आवाज़ सुनाई दे रही होगी। मसाले को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे पूरे में। बहुत बढ़िया काजू बनते हैं, आप घर में बना सकते हैं, आप मार्केट से ना भी लाएं ना। वैसे बहुत से लोग मार्केट से ही लाते थे, मेरे यहाँ भी मार्केट से ही आते थे, फिर हमने इनकी एक बार बना के देखा इनको तो बहुत ही बढ़िया लगे सबको। तो मैंने सोचा आपको भी ये रेसिपी बता दे, आप भी त्यौहार पे या गेस्ट आने को हो इनको इजीली बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये बन के तैयार हैं।
तो ये देखिए मसालेदार काजू बनके तैयार हैं। आप बहुत ही इजीली से घर पे बना सकते हैं, मार्केट से लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और घर का खाना सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया रहता है, तो आप भी स्वस्थ रहेंगे, आपके बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे। तो ये आप अपने घर में ज़रूर रेसिपी बनाएं। और इसको भी हम देखिए तोड़ के दिखाएंगे, क्रिस्पी भी है, सिका भी हुआ भी है, और बिल्कुल भी ये नहीं है कि अंदर कच्चा हो या कुछ हो, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही बढ़िया बनते हैं। आप अपने घर में ज़रूर एक बार ट्राई करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे सारी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचें। और प्लीज़ अगर वीडियो देखा करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।